की ओर। एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी की खबर मिल रही है। तिरुचिरापल्ली से शारजा जा रहे विमान में खराबी की खबर है। एयरपोर्ट पर 18 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि करीब एक घंटे से हवा में है फ्लाइट। तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट के पास हवा में फ्लाइट है। तो ये बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। बड़ी खबर सामने आ रही है, एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी की खबर मिल रही है। तिरुचिरापल्ली से शारजा जा रहे विमान में खराबी की खबर है। जानकारी के मुताबिक जैसे खबर मिली वैसे एयरपोर्ट पर 18 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को पहुंचा दिया गया है। 18 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है और करीब एक घंटे से बताया जा रहा है कि फ्लाइट हवा में ही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप बता रहे हैं, एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी की खबर मिल रही है। जानकारी के मुताबिक तिरुचिरापल्ली से शारजा विमान जा रहा था और विमान में खराबी, जैसे ही इसकी खबर सामने आई एयरपोर्ट पर 18 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मौजूद कर दिया गया है। करीब एक घंटे से फ्लाइट हवा में ही है। फिलहाल क्या कुछ ताजा अपडेट सामने आता है इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी हुई है। आप बता दें कि तिरुचिरापल्ली एयरपोर्ट के पास हवा में फ्लाइट है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जानकारी के मुताबिक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि एक घंटा से ही विमान जो है वो हवा में है। एयर इंडिया के विमान में तकनीकी खराबी की खबर मिली और जानकारी के मुताबिक तिरुचिरापल्ली से ये विमान शारजा जा रहा था और तभी खराबी की खबर मिली। कुछ तकनीकी खराबी बताई जा रही है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको ये बता दें कि अभी भी विमान जो है वो हवा में ही है और जैसे ही तकनीकी खराबी की खबर मिली वैसे ही फायर ब्रिगेड की गाड़ियां एयरपोर्ट पर पहुंच चुकी हैं। और हमारे साथ कैप्टन शंभु प्रसाद जुड़े हुए हैं। शंभू जी, अगर इस सिचुएशन को देखें, जो खबर अभी मिल पा रही है, बताया जा रहा है कि फ्लाइट हवा में है, किस तरीके से इस सिचुएशन को देखा जाए, क्या होगा? जी नमस्कार। पायलट के तौर पर मैं बताना चाहूंगा जी, जब त्रिची से वो जहाज जा रहा है शारजा, तो उसके पास त्रिची से शारजा तक का फ्यूल होना चाहिए। उसके अलावा वहाँ से वो अल्टरनेट होगा, वहाँ जाने का भी फ्यूल होना चाहिए और फिर कुछ देर किसी इमरजेंसी को टैकल करने के लिए 45 मिनट का अलग से फ्यूल होना चाहिए। तो जब जहाज चलता है तो सामान और पैसेंजर के अलावा जितना वजन है वो फ्यूल का वजन होता है। तो फ्यूल कैरी करने से इनकम तो नहीं होता है, लेकिन मजबूरी है, फ्यूल तो लेना ही पड़ता है। तो वो फुल्ली लोडेड है फ्यूल से। अब कोई इमरजेंसी अगर हो गई है वहाँ पर, तो उसने डिसाइड किया कि त्रिची में ही हम लैंड करेंगे, क्योंकि उस इमरजेंसी के साथ मोस्ट प्रोबेबली ये हुआ होगा कि गियर शायद ऊपर गया नहीं होगा, और गियर अगर ऊपर नहीं जाएगा तो गियर के साथ इतनी लंबी फ्लाइट की नहीं जा सकती है, सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा उस ट्रैक के चलते। मेरा अंदाज है कि यही हुआ होगा कि गियर ऊपर गया नहीं होगा, तीन गियर में से कोई एक, लेफ्ट लैंडिंग गियर, राइट लैंडिंग गियर या नोज व्हील, तीनों में से कोई एक। तो ऐसी स्थिति में उस फ्यूल को बर्न करना है उसको, क्योंकि लैंड तभी करेगा जब मैक्सिमम लैंडिंग वेट जो है उससे नीचे उसका वजन आ जाए। तो उसको चक्कर मारना है, चक्कर मारना है और फ्यूल को खर्च करना है। फ्यूल, एक और उपाय है फ्यूल को समुद्र के ऊपर में डंप करने का, लेकिन वो हर जगह सुविधा नहीं होती है हर जहाज में। तो मजबूरन वो जहाज चक्कर मार रहा है, जब उसका फ्यूल आ जाएगा लैंडिंग के लायक। तो शंभू जी, क्या लगता है कितना वक्त लगेगा इमरजेंसी लैंडिंग कराने में, क्योंकि अभी जो जानकारी है एक घंटे से विमान हवा में ही उड़ रहा है। मेरा अंदाज है कि अब तक में शायद हो गया होगा। अगर आप वहाँ त्रिची एयरपोर्ट को कांटेक्ट करें तो वो बता देगा, पायलट ने कैलकुलेट करके बता दिया होगा कि और इतना मिनट में चक्कर मारूंगा, तो उसके बाद वो ट्राई करेगा उतरने का गियर के साथ, और एक्सपीरियंस पायलट उसको संभाल लेता है। थोड़ा डिफिकल्ट तो होता है लेकिन वो संभाल लेगा, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। समझिए, वैसे अगर इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है तो उस वक्त क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जो भी यात्री उसमें होंगे उनके अंदर भी डर होगा कि वो सुरक्षित लैंड करें।
हाँ डर तो जरूर होता है, लेकिन कप्तान की जो ट्रेनिंग होती है इमरजेंसी के लिए ही, वरना टेक ऑफ लैंडिंग तो कोपायलट भी कर लेता है, कमांडर ट्रेंड होता है इमरजेंसी को टैकल करने के लिए, उतना भरोसा करना पड़ता है कमांडर पर। शंभू जी, बतौर पायलट आपने भी कई सारे विमान दशकों तक उड़ाए हैं, क्या आपके साथ कभी ऐसा सिचुएशन आया? बहुत बार, 5 बार तो इंजन ही बंद हुआ है हमारा। जो भी 30 साल 35 साल के कैरियर में रहेगा इमरजेंसी तो उसको मिलती ही रहती है, ये लेके चलना पड़ता है कि हर फ्लाइट स्मूथली नहीं होता है, इमरजेंसी होती है, टैकल करते हैं, सब ठीक रहेगा मेरा अंदाज है, ज्यादा चिंता की बात नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं अभी दूर हूँ शहर से, गांव में हूँ, और ये न्यूज आप ही से अभी मुझे जानकारी मिली कि ऐसा हो रहा है, मुझे पता भी नहीं था, अभी अभी जब आपके फोन से ही पता चला। इट शुड बी ओके। वैसे लेकिन शंभू जी, जैसा कि अभी हम इस पर चर्चा ही कर रहे थे, जो यात्री उस विमान में सवार है खास तौर पर उनके परिजन काफी ज्यादा चिंतित होंगे, तो आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मेरी समझ से उनको आश्वस्त होना चाहिए, जहाज मेरा अंदाज है आधे घंटे के अंदर उतरने वाला होगा और फ्यूल जल चुका होगा, अब तक जितना है उसका वजन उतरने लायक हो गया होगा, और आई थिंक इट विल बी अ स्मूथ लैंडिंग, ठीक ठाक रहेगा मेरा अपना अंदाज है, और जो मैं गेस कर रहा हूँ कि अगर वो कंटिन्यू नहीं किया है तो प्रॉब्लम यही होगा कि तीनों चक्के में से कोई एक चक्का ऊपर जा नहीं पाया है, ये मेरा अंदाज है, गेस कर रहा हूँ, मुझे जानकारी एकदम नहीं, मैं गेस कर रहा हूँ कि तीन में से कोई एक लैंडिंग गियर ऊपर नहीं जा पाया है, और इसीलिए उसने रिस्क नहीं लिया इतनी लंबी फ्लाइट जाना और शारजा में जाकर के ये काम करना, उससे अच्छा है कि जहाज से चले वही उतर जाए, वहाँ इंजीनियर है, सारी सुविधाएं हैं, वहाँ बन जाएगा जहाज, उसके बाद फिर दोबारा जाएगा, टेक्निकल चीज है, ऐसा होता है, कभी कभार होता है। बिल्कुल, और जाहिर सी बात है तकनीकी खराबी क्या है ये तो जांच के बाद ही पता सबको चल पाएगा, लेकिन अभी जो जानकारी है बताया जा रहा है कि 18 फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर मौजूद है, उसे बुला लिया गया है, क्या प्रोसेस किस तरीके से होता है अगर हम देखें तो, और एहतियात के तौर पर जो ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मंगाई गई हैं इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जी ऐसा है कि हवाई अड्डे पर फायर ब्रिगेड एक डिपार्टमेंट है और काफी चुस्त डिपार्टमेंट है, हर समय जहाज टेक ऑफ लैंडिंग करता रहता है, हर समय कुछ गाड़ियां तैयार रहती हैं, ड्राइवर बैठा रहता है फायर ब्रिगेड के अंदर में, वो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी के अंदर में ड्राइवर बैठा रहता है, हर समय तैयार रहता है कि कभी कोई इमरजेंसी हो सकती है, लेकिन जब एक इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है और मौका मिलता है तो शहर से भी जितनी गाड़ियां हैं उनको भी बुला लेते हैं कि क्या पता उसे ज्यादा की जरूरत पड़े, और बी प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट वाले फिलोसफी को लेकर के चलते हैं लोग, ये सब स्मूथ रहेगा लेकिन क्या पता कदाचित अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो ऐसे में सारी गाड़ियां उस दिन काम आ जाती हैं, इसलिए ज्यादा घबराना नहीं चाहिए, ये बल्कि तैयारी है, बेहतर तैयारी है, घबराने की जरूरत नहीं है, इससे ये नॉर्मल प्रोसीजर है कि मौका टाइम मिले तो सबको बुला लिया जाता है, उतना ही क्या वो तो एम्बुलेंस वगैरह को भी बुला के रख लिया जाता है, मेडिकल टीम भी रहती है। बिल्कुल शंभू जी, जैसे कि आप अंदाज लगाकर ये बता पा रहे हैं कि लैंडिंग गियर में ही तकनीकी खराबी हुई होगी जिस वजह से ऐसी समस्या आई है, अगर हम लैंडिंग गियर की बात करें तो उसे अगर आप आसान शब्दों में समझा पाएं क्या खराबी होती है और कैसे लैंड करने में मुश्किल होती है? ट्राईसाइकिल टाइप से होता है, एक चक्का आगे छोटा वाला और दो बड़े बड़े चक्के पीछे, उसे ही हम लैंडिंग गियर कहते हैं, आगे वाले को नोज व्हील भी कहते हैं, तो वो बहुत ही हल्का होता है, बहुत मामूली होता है, वो केवल संभालता है आगे वाले पोर्शन को, वजन नहीं ज्यादा ले सकता है, लेकिन जो दो लैंडिंग गियर लेफ्ट और राइट में होता है वो काफी टफ होते हैं हाइड्रोलिक, उनका इतना वजन होता है कि हाथ से आप उसको नहीं ऑपरेट कर सकते हैं उस हवा में, तो उसके लिए हाइड्रोलिक होता है, जहां आप एक छोटा लीवर दबाइए और हाइड्रोलिक उतने सारे वजन को ऊपर ले आता है, नीचे लाना तो खैर आसान है, वो ग्रेविटी से हो जाता है, आप उसको छोड़ दीजिए अपने आप नीचे लटक जाएगा, लेकिन ऊपर उठाने के लिए काफी ताकत की जरूरत होती है जो हाइड्रोलिक से होता है, और इंजन से ही हम उन चीजों को चलाते हैं, इंजन का
सारा पावर जहाज को उड़ाने में लगता है, लेकिन थोड़ा कुछ परसेंट पावर हम बाकी चीज के लिए, जैसे बिजली बनाने के लिए, लैंडिंग गियर को ऊपर उठाने के लिए वगैरह वगैरह, इन चीजों के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। यही नॉर्मल सिस्टम है और उसमें कभी कोई तकनीकी खराबी किसी दिन आ ही जाती है। आप सारे इंजीनियर अच्छे हैं, सब कुछ टिप टॉप रहता है, फिर भी कभी ना कभी तो खराबी होती रहती है। शंभू जी, एक बार फिर से अगर हम बात करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मामला है और ऐसे में अगर हम देखें तो खास तौर पर जान की बात है और जो यात्री उस पर सवार है, हालांकि आप कह रहे हैं कि कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सुरक्षित लैंडिंग हो जाएगी, लेकिन फिर भी अगर हम बात करें लैंडिंग की, तो क्या कुछ उस वक्त समस्या आ सकती है, किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए उस वक्त? अभी मैं यहाँ से नहीं गेस कर सकता हूँ, लेकिन होगा यही, अगर ज्यादा बुरा हुआ तो होगा यही कि तीनों चक्के बाहर नहीं आएंगे। मान लीजिए लेफ्ट का आ गया नीचे और राइट रह गया ऊपर, तो एक तरफ झुकेगा जहाज। अगर नोज नहीं आया, दोनों लैंडिंग गियर हुआ, तो काफी पायलट कोशिश करेगा कि नोज को ऊपर उठाए रखे, जितनी देर तक उठा कर रख सकता है, लेकिन फिर कभी ना कभी तो उसको नीचे आना है। अगर कोई चक्का नहीं निकल पा रहा है तो वो एल्यूमिनियम का पूरा जहाज रनवे पर रगड़ खाएगा और उससे स्पार्क वगैरह हो सकते हैं, वर्स्ट यही हो सकता है। उसके लिए फोम वगैरह डाल दिया जाता है ताकि थोड़ा स्मूथ हो सके, लेकिन इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम और कप्तान हमेशा काफी एक्सपीरियंस होता है, वो संभाल लेता है। ऐसे कई जी शाहू जी, एक टेक्निकल टर्म ये भी बेली लैंडिंग टर्म भी सामने आ रहा है, इसे अगर आप समझा पाए बेली लैंडिंग। अभी जो मैं डिस्क्राइब कर रहा था जी, वही बेली लैंडिंग है। जब चक्का नहीं निकले और जहाज बिना चक्के के अपने पूरे वजन के साथ घिसटता हुआ, स्पार्क करता हुआ, शोर मचाता हुआ, और वो तो आतिशबाजी की तरह चिंगारी निकलती रहती है, क्योंकि आप काफी टन के जहाज को रनवे पर रगड़ रहे हैं उसी स्पीड में, तो दैट इज बेली लैंडिंग। वो हम लोग उसके लिए मतलब वो बहुत अच्छा नहीं होता है, तैयारी तो रहती है, लेकिन भी विश कि कभी बेली लैंडिंग न करना पड़े, लेकिन जब आता है तो फिर करते हैं। और इमरजेंसी में पायलट थोड़ा और बेहतर हो जाता है, मैंने तो यही देखा है, मैं इंस्ट्रक्टर भी था। आप क्या अंदाज लगा पा रहे हैं, क्या इस वक्त जो ये सिचुएशन चल रहा है उसमें बेली लैंडिंग ही एक ऑप्शन है या इसके अलावा भी कुछ हो सकता है? यू मच बी नोइंग बेटर, आपको पता होगा कि क्या है। आपने बेली लैंडिंग की बात की जी, तो शायद आप त्रिची हवाई अड्डे के कॉन्टेक्ट में होंगे और वो आपको इमरजेंसी बता देगा कि एग्जैक्टली क्या इमरजेंसी है, वो बता सकते हैं आपको। लैंडलाइन से अगर आप त्रिची हवाई अड्डे को कॉन्टैक्ट, बिल्कुल हम लगातार उनसे भी कनेक्टेड हैं और जो अब तक खबर सामने आ रही है वो यही है कि अभी भी विमान जो है वो हवा में ही है, और अब पहले एक घंटे का वक्त बताया जा रहा था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि दो घंटे से लगातार विमान जो है हवा में है, यानी कि देखिए दो घंटे का वक्त अब हो गया है। शंभू जी, जैसे कि हम आप कह रहे थे कि थोड़ा और टाइम लगेगा इसमें, जब तक फ्यूल अगर वो जहाज को लाइट करेगा तो एक्स्ट्रा फ्यूल जो है उसको, तो जो जल सकता है उसको फ्यूल को उसको खर्च कर देना पड़ेगा ताकि जहाज हल्का हो जाए। इसमें उसको वो तैयारी भी कर लेता है, चक्कर मार रहा है, सोच भी तो रहा है कि क्या करना है, तो मेंटली ही इज प्रिपेयर्ड। नीचे इंजीनियर्स वगैरह को बता दिया जाता है, वो अपनी तैयारियां कर लेते हैं, वो भी राय विचार देते रहते हैं। ये चक्कर मारने शुभ है, कोई उसमें ज्यादा घबराने की बात नहीं कि चक्कर मार रहा है, जब तक हल्का नहीं होगा नहीं उतरेगा वो। जी ठीक है शंभू जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए, बताने के लिए। तो देखा, आपको बता दें कि दो घंटे से विमान जो है वो अभी भी हवा में है, हालांकि कहा जा रहा है कि कोई टेंशन की बात नहीं है, सुरक्षित लैंडिंग करा ली जाएगी।